दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पिक टेक में। मेरे यार, मेरे दोस्त, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप बिंदास एकदम जबरदस्त तरीके से एकदम सकुशल होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यार देखो, फेसबुक ने अभी फेसबुक स्टोरी पर ऑडियो अपलोड करने का एक नया ऑप्शन जारी किया है, लेकिन आप वहां पे अपना मन पसंदीदा ऑडियो सॉन्ग फिर भी अपलोड नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि वहां पे जो रिकमेंडेड सॉन्ग्स होते हैं आप केवल वही अपलोड कर सकते हो, बाकी के सॉन्ग्स आप अपने मन पसंदीदा उस पे अपलोड नहीं कर पा रहे हो। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं यार कि सॉन्ग अपलोड करना फेसबुक स्टोरी पर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपना ही मनपसंद का सॉन्ग अपलोड करना बड़ी बात है। चलिए, मैं आज आपको वही बताने वाला हूं कि आप अपना मनपसंद ऑडियो सॉन्ग कैसे उस पे दोस्तों अपलोड कर सकते हो बहुत इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं। रुकिए, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियो आपको साथ शेयर करता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूं। अब आपको करना क्या है यार, अपने सिंपली वे में आप अपने फेसबुक लाइट एप्लीकेशन पर लॉगिन हो जाना है। और वहां लॉगिन होने के बाद आपको करना क्या है कि आपके सामने कुछ ऑप्शन देने के लिए मिल रहा होगा ऐड अ स्टोरी। ठीक है दोस्तों, आपको ऐड अ स्टोरी पर आप जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने म्यूजिक का ऑप्शन आ रहा है। मेरे दोस्त, यहाँ पर म्यूजिक आपको दिख रहा होगा, आप अपना म्यूजिक सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ आप अपना पसंदीदा कोई भी गाना नहीं लगा सकते हो। अगर आप सोचें कि यार मैं अपनी लिस्ट से या अपने फ़ोन गैलरी से कोई भी मतलब पसंदीदा अपना गाना लगा सकूं, अपना सॉन्ग लगा सकूं, आज मैं आपको वही क्लियर कर देने वाला हूं यार कि आप उसको कैसे लगा सकते हो। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां से आपको बाहर आ जाना है। और बाहर आने के बाद आपको एक एप्लीकेशन जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है दोस्तों इस वीडियो स्प्लिटर। आपको बहुत ईजी वे में आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। इंटरफेस आप देख पा रहे हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। अब आपको यहां पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो आप को इसको अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद आपके सामने यहां पे एक ऑप्शन आएगा इंपोर्ट ऑडियो, है ना दोस्तों। अब आपको यहां पे इंपोर्ट ऑडियो पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पर प्रो ऑडियो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस इस तरीके से आएंगे। तो आपको यहाँ करना क्या है दोस्तों, यहाँ से आपको ऑडियो पर क्लिक करना है। जब ऑडियो पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपकी गैलरी के सारे सॉन्ग आ जाएंगे। ठीक है ना, अब आपको जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए ये वाला सॉन्ग या कोई आपका पसंदीदा गाना है, कुछ भी है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, सिंपली भी मैं इसको टैप कर देना। जब टैप करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। जब क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है मेरे दोस्त, आपको यहाँ पे बहुत ईजी वे में यहाँ पे एक टैप कर देना, उसको सिलेक्ट कर लेना है। जब सिलेक्ट करने के लिए आपको अब करना क्या है, एक इमेज को सिलेक्ट कर लेना, बहुत छोटी सी इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए आप। चलिए जैसे मान लीजिए मैं ये वाली इमेज को क्या है सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है ना, तो दोस्तों थोड़ा सा समय लेगा कन्वर्ट होने के लिए, लेकिन ये पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ मेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए बहुत से लोग बोल रहे होंगे यार कि मतलब जो है यार ये तो मैं किसी भी एप्लीकेशन से कर सकता हूँ या किसी भी मतलब एप्लीकेशन अदर पार्टी एप्लीकेशन से मैं कर सकता हूँ। मगर मैं आपको एक बात बता दूँ मेरे दोस्त कि हर एप्लीकेशंस को यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशंस का यहाँ पे हर एप्लीकेशंस का दोस्तों क्या करती है, फेसबुक एक्सेस नहीं लेती है। ठीक है ना, तब आपको करना क्या है यहाँ पे ईजी वे में, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट है, यहाँ पे आपको क्या करना है, कस्टम स्प्लिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है ना, तब यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे पूरा का पूरा कितना है, 237 सेकंड टू स्लिप अप्रोक्स। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेव कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे 400p ओरिजिनल, 320p तो 240p। ठीक है ना, ये आपकी क्वालिटी पर डिपेंड करेगा, आप किसी भी क्वालिटी पे यहाँ कर लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है ना, अब जैसे स्टार्ट कर देंगे तो अब यहाँ पे पूरा कस्टमाइज होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको व्यू फाइल्स पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे करोगे तो ऐड आएगा, आपको ये हटा देना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको करना क्या है, सिंपली वे में आपको शेयर ऑल, ठीक है ना, शेयर ऑल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। शेयर ऑल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे दोस्त, फेसबुक स्टोरी, है ना। तो अब आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे इजिली वे में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इजीली वे में मेरा 20 सेकंड का वीडियो विल बी शॉर्टली, तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो बहुत इजी वे में। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हैं कि प्रोसेसिंग वीडियो यहाँ पे होने लगा है और मेरा वीडियो क्या है, अपलोड होने लगा, यानी मेरा सॉन्ग जो है दोस्तों क्या होने लगा है, अपलोड होने लगा है। यार मैं आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल रही होगी। दोस्तों वीडियो नॉलेजेबल है, वीडियो शेयर भी हो चुकी है। अगर वीडियो नॉलेजेबल रही हो तो मेरे दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ यार कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए यार और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके के छोटे छोटे टेक्निकल वीडियो सबसे शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।